आज हम बात करने वाले हैं कि एनिमेशन के लिए लैपटॉप बेस्ट रहेगा या फिर आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहिए। चाहे आप 2D एनिमेशन करना चाहो, 3D एनिमेशन करना चाहो, गेमिंग करना चाहो या फिर अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहो, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, विच इज द बेस्ट, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जरा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि लैपटॉप लेना है या कंप्यूटर लेना है। आइए शुरू करते हैं एनिमेशन के लिए आपको क्या खरीदना चाहिए। तो पहला पॉइंट, अगर आपको 2D 3D एनिमेशन के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो आपको पहले वर्क की स्पीड देखनी पड़ेगी कि किसमें काम जल्दी हो सकता है। तो अगर हम लैपटॉप की बात करें तो इसके अंदर भी हेवी प्रोसेसर आते हैं, ग्राफिक कार्ड भी आते हैं, लेकिन प्राइस में ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसी भी नॉर्मल PC की तो 50,000 रुपये में एक अच्छा PC बिल्ड हो सकता है। इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। दोनों ही वीडियो कमाल के हैं और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें देखो, लैपटॉप के अंदर जो होता है वो पावरफुल तो है, लेकिन कंप्यूटर जो होता है उसमें एक तो पावरफुल CPU होता है, कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, प्रोसेसर आप इसमें बढ़िया से बढ़िया लगा सकते हो, GPU है जिससे कि रेंडरिंग स्पीड वगैरह काफ़ी बेस्ट रहेगी। तो अगर किसी को अगर चलाना है ना, तो वो अगर कंप्यूटर चलाएगा और उसने अगर कभी लैपटॉप चला लिया तो उसको लगेगा कि लैपटॉप उसके सामने एक छोटा बच्चा लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी पावरफुल है। ये मेरा अपना एक जो है वो ओपिनियन आप कह सकते हो। नंबर 2, अब आप 2D 3D एनिमेशन कर रहे हो या वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो रेंडरिंग तो आपको करनी ही होगी, चाहे आप वीडियोज़ को रेंडर करो या फिर आप कोई भी फोटोज़ वगैरह रेंडर करना चाहते हो 3D में। तो इसमें क्या होता है कि जब आप लैपटॉप यूज़ करोगे ना, तो लैपटॉप को आप लंबे समय तक नहीं चला सकते हो, क्योंकि अगर कोई वीडियो रेंडर कर रहा है और किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो हो सकता है कि 12 घंटे भी आपके सिस्टम को रेगुलर चलाना पड़ सकता है। कई बार तो रेंडर करने के लिए 24 घंटे भी ऑन रहता है, जैसे ऑफिस समय के बाद में भी PC जो होते हैं वो ऑन ही रहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, रेंडरिंग में कौन सा बढ़िया रहेगा अगर आप एनिमेशन के लिए ले रहे हो तो। लैपटॉप को देखो लंबे समय तक चलाना है, मतलब कि अगर रेंडर करते टाइम तो वो हीट की समस्या ज़रूर देगा उसको, इतना चलाने की या फिर उसमें जो कूलिंग करने की जो कैपेसिटी होती है ना वो इतनी नहीं होती है, वो थोड़ा बहुत हीट तो होगा ही होगा, मतलब थोड़ा गर्म तो वो होने ही वाला है। जबकि अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है उसमें हम क्या करते हैं, अलग से कूलर लगाते हैं, यानी कि उसको ठंडा रखने के लिए हम जो सुविधा कर सकते हैं वो करते हैं, एक्स्ट्रा फैंस लगा देंगे और कूलर लगा देंगे, लिक्विड कूलर लगा देंगे, जिससे कि वो कंप्यूटर जो है अगर लंबे समय तक चलेगा तो वो हीट नहीं करेगा। तो रेंडरिंग के मामले में कंप्यूटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तीसरा, परफॉर्मेंस के मामले में अब कौन बेटर रहेगा। रेंडरिंग से ही अंदाज़ा लगता है कि परफॉर्मेंस के मामले में क्या बेस्ट है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जब आप एक लैपटॉप खरीदते हो तो उसके अंदर क्या है कि आपको पता है कि जैसे i5 प्रोसेसर ले रहे हो, i7 ले रहे हो, रैम 16 GB है, ग्राफिक कार्ड 4 GB का RTX लगा हुआ है, ये आपको पता है। लेकिन अगर आप जब कंप्यूटर खरीदते हो एनिमेशन के लिए तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें लगवा सकते हो। 1,00,000 का जब आप लैपटॉप लेते हो ना, तो वो 70,000 रुपये में उतने उससे बेस्ट स्पेसिफिकेशन का आपको कंप्यूटर मिल सकता है। ये मैं मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। अगर आप 1,00,000 का लैपटॉप खरीद रहे हो और उससे कई गुना ज़्यादा जो हायर स्पेसिफिकेशन होती है, बड़ा प्रोसेसर या फिर ज़्यादा रैम, ये ज़्यादा ग्राफिक कार्ड, ये आपको कंप्यूटर के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर रैम ज़्यादा है, प्रोसेसर ज़्यादा है या फिर आप ग्राफिक कार्ड ज़्यादा लगा सकते हो, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी कंप्यूटर आगे निकल जाता है। नंबर 4 पर है कंपेटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप इसको भविष्य में कैसा क्या चलाओगे, अपग्रेड वगैरह करना है तो क्या ये पॉसिबल है, लैपटॉप लें या एनिमेशन के लिए कंप्यूटर लें तो अपग्रेड के मामले में क्या है। तो देखो, एक लैपटॉप खरीदा आपने तो वो चीज़ें फिक्स रहेगी, रैम रोम के अलावा उसमें आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। अगर आपने छेड़ा उसको तो हो सकता है ख़राब होने के चांस ज़्यादा है, या फिर अगर कोई रिपेयर करने वाला है जो ये कस्टमाइजेशन के काम करता है तो हायर रिस्क पे या फिर आपका जेब से खर्चा ज़्यादा लगेगा। जबकि अगर आप कंप्यूटर को देखो अपग्रेड के मामले में, क्योंकि आप एनिमेशन कर रहे हो
एनिमेशन में क्या है कि नए नए सॉफ्टवेयर आते जाएंगे, आपको पता है कि अभी ये चल रहा है जैसे विंडोज 11 चल रहा है, तो इसके बाद में मान लो कोई एनिमेशन का, जैसे मैं एनिमेशन सिखाता हूँ, 2D एनिमेशन सिखाता हूँ, तो उसमें एनिमेट्स इसी पे सिखाते हैं, इसका भी वर्जन धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले फ्लैश चलता था तो वो लाइट सॉफ्टवेयर था, हल्के लैपटॉप में भी चल जाता था, 4GB वाले में भी चल जाता था, एनिमेट्स इसे जो है वो अब 8GB रैम वाले में चलता है। साथ में याद आया, अगर किसी को एनिमेशन का कोर्स करना है तो मैं कोर्स भी करवाता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। ये मेरा वेबसाइट है, इस पर पूरी जानकारी दे रखी है, आप जाके पढ़ लो, स्टूडेंट रिव्यूज़ वगैरह देख लो। किसी को यूट्यूब पे ऐसे जो कार्टून वीडियोज़ होते हैं, मोरल स्टोरी होती है, फनी स्टोरीज होती है, हॉरर स्टोरीज होती है, शॉर्ट्स वीडियोज़ होते हैं, किसी को अगर बनवाने हैं या फिर आप खुद बनाना चाहते हो तो ये मेरा कोर्स है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और लेके घर बैठे सीख सकते हो। अब देखो, मैं बात कर रहा था यहाँ पे अपग्रेड के मामले में, तो लैपटॉप जो होता है ना उसको आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, जबकि कंप्यूटर जो होता है इसमें आप मदरबोर्ड से लेके हर चीज़ को चेंज कर सकते हो। अगर रैम जैसे 8GB लगा दिया आपने, 16GB कर दो, SSD नहीं लगवाई थी तो अच्छा SSD लगवा दो, प्रोसेसर चेंज करना है तो चेंज करवा सकते हो, मतलब कि फ्यूचर में अपग्रेड करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। अब नंबर 5 पे और आखिरी पॉइंट ये है कि पोर्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा है, इसको रखना वगैरह कैसे क्या है। देखो, लैपटॉप उनके लिए बेस्ट रहेगा, चाहे वो अगर एनिमेशन के लिए ले रहे हैं या वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हैं, उनके लिए लैपटॉप बेस्ट है जो कि घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं। जैसे कि कोई बेचारा ऑफिस भी जाता है, कोई स्टूडेंट है तो वो घर से भी दूर है, अगर किसी अलग सिटी में चला गया तो उसके उस टाइम उसके पास में वो कंप्यूटर लेगा तो उसके बाद में उसको उतना फ्लेक्सिबल नहीं है उसको चलाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर को जैसे ही मैंने रख रखे हैं पीछे वैसे रखना पड़ेगा, सेटअप पूरा जमाना पड़ेगा। तो लैपटॉप उनके लिए बेस्ट है जो घर से बाहर रहते हैं या फिर ज़्यादा समय तक बाहर ही रहते हैं, तो उनके लिए लैपटॉप बेस्ट रहेगा ताकि वो कहीं पर भी जाते समय काम तो कर सके एटलीस्ट, इसमें तो घर आके काम करना पड़ेगा है ना। तो कंप्यूटर उनके लिए बेस्ट है जो ज़्यादा घर पे रहते हैं या फिर उनका इतना बाहर आना जाना नहीं रहता है, तो उनके लिए कंप्यूटर बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें फ्रेंडली होकर बता दिए ताकि आपको एक बेस्ट सिलेक्शन करने में मदद मिल सके, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब मेरे अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं PC लेना ज़्यादा प्रीफर करूंगा लैपटॉप के कंपैरिजन में। लैपटॉप में लूंगा तब लूंगा, एक चलाने लायक ठीक ठाक ले लूंगा ताकि जब मैं घर से बाहर रहूं तो उस टाइम वो काम आ सके। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं कंप्यूटर पे ही डिपेंड हूँ या फिर मैं जैसे वीडियो एडिटिंग के ऊपर ही डिपेंड हूँ, मुझे रेंडरिंग ही करनी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर पैसे कम होंगे तो मैं कंप्यूटर ही खरीदूंगा, उसी पे काम करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।